हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में थेवेनिन थ्योरम ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका सिक्स्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक सर्किट दिया है और क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट टू द लेफ्ट ऑफ एक्स वाई टर्मिनल इन द फिगर, देन कैलकुलेट आई जीरो। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। कोई भी थेवेनिन थ्योरम का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको कुछ फिक्स स्टेप्स का यूज करना होता है। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होता है VTH, देन आपको सेकंड फाइंड आउट करना होता है ZTH, और लास्ट में आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना होता है। देखो यहाँ क्वेश्चन में भी लिखा है फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट, इसका मतलब हमें एट द लास्ट थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते समय जैसा हमने कहा जो आपको स्टेप्स का यूज करना है उसमें पहले स्टेप में आपको फाइंड आउट करना होता है VTH, VTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, और आपको सेकंड स्टेप में फाइंड आउट करना है ZTH, दैट इज थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस। तो चलो हम ये स्टेप्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। एक बार आपको ये दोनों मिल जाते हैं तो फिर इसका यूज करके आप लास्ट स्टेप में थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। और थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ होने के बाद क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है कैलकुलेट आई जीरो। देखो यहाँ पे आई जीरो जो है, ये सर्किट में यहाँ पे आई जीरो एब्सेंट है, ये आई जीरो का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप नंबर वन हम यहाँ पे लिख लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ VTH। तो ये देखिए हमने यहाँ लिखा है स्टेप नंबर वन, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ VTH। ये VTH और ZTH में से पहले VTH फाइंड आउट करना पड़ता है, ये कंपलसरी नहीं है। आप चाहे तो ZTH भी पहले फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल हम पहले VTH फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ VTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपको टर्मिनल्स को, जो आउटपुट टर्मिनल्स है उसको आपको ओपन करना होता है। इसका मतलब ओपन टर्मिनल्स एक्स एंड वाई के बीच में आपको VTH फाइंड आउट करना है। तो ऐसे में चलो यहां पे एक न्यू सर्किट ड्रॉ करेंगे। ये जो अवेलेबल सर्किट है, ये सर्किट हम यहां पे फिर से ड्रॉ करेंगे, लेकिन ड्रॉ करते समय सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको आउटपुट टर्मिनल्स को ओपन रखना है। तो चलो यहां पहले हम सर्किट बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहां पे न्यू सर्किट ड्रॉ कर लिया है। जैसा हमने कहा था एक्स और वाई टर्मिनल्स को हमें ओपन करना है। तो ये देखिए एक्स और वाई के बीच में जो 10 ओम का रेजिस्टेंस था उसको हमने यहां से रिमूव कर दिए और एक्स और वाई टर्मिनल को हमने यहां पे ओपन रखा है। और जो रिमेनिंग सर्किट है, ये जो तीनों एलिमेंट्स है, वो हमने यहां एज इट इज शो किया है, ठीक है। और अब हमें यही ओपन सर्किट, दैट इज एक्स और वाई के बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज VTH फाइंड आउट करना है, इट मींस थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। तो चलो हम ये फाइंड आउट करेंगे। अब ये फाइंड आउट करते समय ये जो VTH है, ये x और y के अक्रॉस हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अगर ये x और y के अक्रॉस है तो जाहिर सी बात है x और y के पैरेलल में क्या ब्रांच है, देखो x और y के पैरेलल में ये ब्रांच है देखो, और ये ब्रांच में भी यहां पे एक सोर्स दिया है। तो ये कौन सा सोर्स है, तो ये है डिपेंडेंट सोर्स। ये जो सोर्स है ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, लेकिन ये जो सोर्स है ये डिपेंडेंट सोर्स है। अगर ये डिपेंडेंट सोर्स है तो डिपेंडेंट सोर्सेस के टाइप्स होते हैं। डिपेंडेंट सोर्सेस जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स और दूसरा होता है करंट डिपेंडेंट सोर्स। अब ये वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स के और दो टाइप हैं और करंट डिपेंडेंट सोर्स के भी दो टाइप हैं। तो यहां पे ये जो टाइप है ये कौन से टाइप का सोर्स है, तो जाहिर सी बात है यहां देखो क्या लिखा है, यहां पे ये सोर्स के अंदर एक एरो दिया है और बाहर लिखा है 2I0। इसका मतलब ये जो सोर्स है, ये जो डिपेंडेंट सोर्स है, ये I0 के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये जो डिपेंडेंट सोर्स है वो एक करंट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये हो गया करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। क्या कहा, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। हमने जैसा कहा था कि करंट डिपेंडेंट सोर्सेस के टाइप्स होते हैं, तो उसमें दो टाइप्स होते हैं, करंट डिपेंडेंट सोर्सेस के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स और दूसरा होता है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो ये है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, क्योंकि ये I0 ये करंट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये हो गया करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। और अब इसका यूज करके हमें ये प्रॉब्लम जो सॉल्व करना है उसमें सबसे पहला स्टेप हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं VTH। तो जैसा हमने कहा था VTH जो है वो XY के अक्रॉस हमें फाइंड आउट करना है। तो XY के पैरेलल में देखो ये ब्रांच है, ये जो ब्रांच है इसके अक्रॉस हमें इनडायरेक्टली VTH फाइंड आउट करना है। ये जो VTH है जो XY के अक्रॉस है वो इनडायरेक्टली ये ब्रांच के अक्रॉस VTH हो जाएगा। तो यहां पे एक काम करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। देखो यहां पे ये जो दो ब्रांचेस है इसकी तरफ आप ध्यान दो, यहां पे आपको एक करंट सोर्स दिखाई दे रहा है और ये एक रेजिस्टेंस है और ये दोनों पैरेलल में हैं। तो हम एक काम करेंगे, हम यहां पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ये मेथड का यूज करेंगे
और इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आसानी से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर हम इसको और फिर एक बार वो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो जाए तो हम आसानी से उससे VTH फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ करंट का वैल्यू कितना है, करंट का वैल्यू है यहाँ पे 5 एम्पियर और यहाँ रेजिस्टेंस का वैल्यू है दैट इज 5 ओहम। तो अगर इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है तो वोल्टेज सोर्स में V का वैल्यू क्या हो जाएगा, V फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बाय यूजिंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू I इंटू R। तो यहाँ पे 5 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 25 वोल्ट। तो फाइनली अगर आप इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वोल्टेज सोर्स में जो वोल्टेज है वो कितना रहेगा, 25 वोल्ट रहेगा। तो चलो हमें एक नेक्स्ट सर्किट यहाँ पे एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा, वो न्यू सर्किट में हम वोल्टेज सोर्स को शो करेंगे। उसमें आपको ये करंट सोर्स और ये रेजिस्टेंस वाला ये जो ब्रांच है इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, उसके जगह आपको वोल्टेज सोर्स शो करना पड़ेगा। तो चलो न्यू सर्किट बनाते हैं। तो ये देखिए हमने न्यू सर्किट ड्रॉ कर लिया है और जैसा हमने कहा था हमने इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है तो वोल्टेज सोर्स में जो वोल्टेज का वैल्यू है वो कितना रहेगा, 25 वोल्ट। तो हम यहां पे लिख लेंगे, ये देखिए ये हमने वोल्टेज सोर्स ड्रॉ किया है और यहां पे हम लिख लेंगे 25 वोल्ट, ठीक है। और इसमें हमने देखो जो वोल्टेज सोर्स है उसमें प्लस हमने ऊपर लिखा है, प्लस ऊपर इसलिए आया क्योंकि यहां पे जो करंट सोर्स था उसमें करंट का डायरेक्शन अपवर्ड था इसलिए प्लस ऊपर आया। और करंट सोर्स के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो हमने वोल्टेज सोर्स के सीरीज में लगा दिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो ब्रांच है डिपेंडेंट सोर्स वाला वो हमने यहां पे एज इट इज रखे। और अब चलो हम यहां पे VTH फाइंड आउट करेंगे। हमारा मेन एम है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VTH अक्रॉस द ओपन टर्मिनल्स एक्स एंड वाई। तो अगर आपको ये VTH फाइंड आउट करना है तो चलो अब VTH फाइंड आउट करने के लिए यहां पे ये देखिए ये एक लूप आपको दिखाई दे रहा है। ये लूप में हम क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे। अगर आप ये पहले लूप में KVL अप्लाई कर लेते हैं तो आसानी से आपको VTH मिल जाएगा। किस तरह से मिलेंगे जरा ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे डिपेंडेंट सोर्स आ गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो डिपेंडेंट सोर्स की वजह से कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये जो VTH है ये एक्स और वाई के अक्रॉस है। अगर ये एक्स और वाई के अक्रॉस है तो जैसा हमने कहा था ये जो VTH है ये एक्स और वाई के पैरेलल में जो ब्रांच है, देखो ये जो ब्रांच है इसके अक्रॉस का भी यही VTH रहेगा। इसका मतलब ये VTH हम इसके अक्रॉस कंसीडर कर लेंगे। देखो ये ब्रांच के अक्रॉस हम ले लेंगे, देखो ये जो ब्रांच है, देखो ये ब्रांच के अक्रॉस का VTH और यहां पे इसका हम ऊपर यहां प्लस दे देंगे, इसमें हम माइनस दे देंगे। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन जैसा हमने कहा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो ब्रांच है ये ब्रांच XY को एग्जैक्टली पैरेलल है, तो XY के अक्रॉस VTH फाइंड आउट करना यानी ही ये ब्रांच के अक्रॉस का VTH फाइंड आउट करना, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये ब्रांच के अक्रॉस ले लिए VTH, ओके, और यहां प्लस ले लिए, यहां माइनस ले लिए। और अब जैसा हमने कहा था हमें KVL अप्लाई करना है, तो चलो अब हम KVL यहां पर अप्लाई करते हैं। जस्ट अ मिनट, यहां पर हमें स्टेप लिखना पड़ेगा अप्लाई KVL इन द फर्स्ट लूप। तो देखिए हम यहां पर लिख लेंगे अप्लाई KVL इन द लूप। हम ये लूप में KVL अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो लूप है ये लूप में करंट आपको सबसे पहले शो करना पड़ेगा। और यहां पे कितना करंट फ्लो हो रहा है ये ऑलरेडी हमें पता है। देखो ये जो लूप है ये लूप में ट्वाइस I0 ये करंट फ्लो हो रहा है। देखो ये जो ट्वाइस ऑफ I0 है ये करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, ये यहां से ऐसे फ्लो होके ये इस तरह से जाएगा। देखो ये ट्वाइस ऑफ I0 इस तरह से फ्लो हो रहा है। हम यहां पे क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन भी शो कर लेंगे। देखो ये इस तरह से ये करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट क्या है ट्वाइस ऑफ I0, ये करंट ये लूप में फ्लो हो रहा है, ओके। और अब इसी का यूज करके हम यहां पे KVL अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने लिखा है अप्लाई KVL। तो रूल क्या है, तो रूल ऐसा है कि अगर वोल्टेज सोर्स में अगर करंट नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू नेगेटिव मिलो, और अगर वोल्टेज सोर्स में करंट पॉजिटिव साइड से एंटर करता है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू पॉजिटिव मिलो। बस आपको इतना ध्यान में रखना है, बाकी सभी एलिमेंट्स प्लस में आएंगे। सिर्फ आपको वोल्टेज सोर्स में ही चेक करना है कि करंट नेगेटिव साइड से एंटर करता है या पॉजिटिव साइड से एंटर करता है। चलो हम यहां पे स्टार्ट करते हैं KVL का इक्वेशन लिखना। सबसे पहले ये वोल्टेज सोर्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे। देखो ये जो वोल्टेज सोर्स है इसका प्लस माइनस कहां है, तो जैसा हमने कहा था प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, प्लस ऊपर माइनस नीचे, ठीक है। और अब ये लूप में ये जो लूप है ये लूप में करंट का डायरेक्शन इस तरह से है क्लॉकवाइज। देखो ये क्लॉकवाइज है, ये करंट क्या है ट्वाइस I0। तो ये जो करंट है ये वोल्टेज सोर्स में चेक करो कौन से साइड से एंटर कर रहा है, निगेटिव साइड से या पॉजिटिव साइड से। तो ये जो करंट है ये वोल्टेज सोर्स में देखो निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, ठीक है। ये वोल्टेज सोर्स में अगर निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू यहां पर निगेटिव मिलो। तो हम यहां लिख लेंगे माइनस ऑफ 25, ठीक है। और अब इसके बाद हम ये देखो इसके अक्रॉस का वोल्टेज ले लेंगे। देखो ये जो ब्रांच है ये ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज, और ये हम इस तरह से क्लॉकवाइज
यहां पे करंट लिए हैं, ठीक है। अगर ये करंट क्लॉकवाइज है तो चेक करो ये वोल्टेज के अक्रॉस ये पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है या नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है। तो ये जो करंट है ये ऐसा पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है, देखो इस तरह से, ये देखो यहां पे हम डायरेक्शन शो करेंगे इस तरह से, देखो ऐसा हो रहा है इस तरह से, ये ऐसा क्लॉकवाइज है। तो ये जो वोल्टेज सोर्स में ये यहां पे पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है, वीटीएच जो है ना वीटीएच में पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है। तो वीटीएच हम यहां लिखते समय पॉजिटिव में लिखेंगे, तो हम यहां लिख रहे हैं वीटीएच। एक्चुअली हम यहां पे केवीएल के रूल अप्लाई कर रहे हैं, आपको यही रूल के थ्रू सॉल्व करना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। आप रूल्स या कोई और रूल भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर एक ही आता है, ठीक है। और अब देखो इसके बाद इसके अक्रॉस का वोल्टेज लिख लिए, और अब ये जो 5 ओम है इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हम लिखेंगे। तो 5 ओम तो यहां पे पॉजिटिव में आएगा, तो हम यहां लिख लेंगे 5 इंटू 5 में से फ्लो होने वाला करंट वो है ट्वाइस ऑफ I0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए फाइनली हमने केवीएल का इक्वेशन यहां तैयार कर लिए। ये जो लूप है ये लूप में टोटल 3 एलिमेंट्स थे, ठीक है। पहला एलिमेंट है वोल्टेज सोर्स, दूसरा एलिमेंट है रेजिस्टेंस, और तीसरा एलिमेंट मतलब इसके अक्रॉस का वोल्टेज जो है वीटीएच, ठीक है। इसके अक्रॉस का वोल्टेज हमने ले लिया सीधा वीटीएच, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। तो फाइनली ये हमने इक्वेशन बना लिए, अब हम इसके थ्रू वीटीएच फाइंड आउट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ I0। तो यहां पर क्या होगा, तो ये कुछ ऐसा, वीटीएच को यही पे रखते हैं, बाकी सभी टर्म्स को हम उधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये हम यहां लिखेंगे वीटीएच इज इक्वल टू, ये 25 माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 25, और ये 5 टू जा 10 हो जाएगा, इधर प्लस में है उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ 10 ऑफ I0, ठीक है। तो फाइनली हमें वीटीएच मिल गया, हम इसको लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ होल्ट, देखो हमने यहां लिखा है होल्ट, और बस ये सॉल्व नहीं होगा, ये इसी फॉर्म में रहेगा, और इसी फॉर्म में लेके आपको चलना है, आखिरी में ये सॉल्व होगा और यहां पे I0 फाइंड आउट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ I0, हमें I0 फाइंड आउट करना है, तो I0 यहां पे अब्सेंट होने की वजह से ये अनसॉल्व रहा, आपको इसी फॉर्म में इसको रख के यहां पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये हमने VTH फाइंड आउट कर लिया, इसका मतलब कैलकुलेशन ऑफ VTH ये जो पहला स्टेप है ये यहां पे कंप्लीट हो गया। और अब चलो स्टेप नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 होता है कैलकुलेशन ऑफ ZTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस। तो चलो हम वो यहां पे लिख लेंगे स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ ZTH, और ऐसे में हमें फिर से एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना होता है, और न्यू सर्किट ड्रॉ करते समय रूल क्या है, तो ZTH फाइंड आउट करते समय रूल ये है कि ये जो आउटपुट टर्मिनल्स है X एंड Y इसको आपको फिर से ओपन करना है, लेकिन यहां पे जितने भी सोर्सेस हैं उनको अब हमें डीएक्टिवेट करना है, और डीएक्टिवेट करते समय वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करना है बाय शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को रिप्लेस करना है बाय ओपन सर्किट। अगर आप यहां प्रॉपर्ली चेक करेंगे यहां पे वोल्टेज सोर्स तो दिया नहीं है, ओनली करंट सोर्स दिया है ये दोनों, तो ये दोनों करंट सोर्सेस को हम यहां डीएक्टिवेट करेंगे, इट मींस ये दोनों को हम ओपन सर्किट करेंगे। तो चलो यहां पे न्यू सर्किट हम यहां ड्रॉ करेंगे, यहां लिखेंगे स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ ZTH और न्यू सर्किट, ये जो हमने सर्किट बनाए थे इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहां स्टेप लिखा है कैलकुलेशन ऑफ ZTH, दैट इज स्टेप नंबर 2, और ये जो पहले का जो सर्किट था उसी को हमने थोड़ा सा मॉडिफाइड किए हैं, और हमने जैसा कहा था कि ZTH फाइंड आउट करते समय सोर्सेस को डीएक्टिवेट करना है, तो यहां पे दो सोर्सेस थे और ये दोनों करंट सोर्सेस थे, तो ये दोनों को हमने डीएक्टिवेट कर लिए, और रूल के अकॉर्डिंग करंट सोर्स को रिप्लेस करना होता है बाय ओपन सर्किट। तो ये करंट सोर्स को हमने रिप्लेस किए बाय ओपन सर्किट, देखो उसके दोनों एंड्स ओपन हो गए, और ये जो डिपेंडेंट करंट सोर्स था इसको भी हमने रिप्लेस किए बाय ओपन सर्किट, ये दोनों एंड्स ओपन हो गए, ठीक है। और अब ये जो सर्किट बन गया, देखो यहां पे सिर्फ 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये बच गया है, और अब यही ओपन एक्स और वाई के बीच में आपको ZTH फाइंड आउट करना है, ZTH आपको यहां पे इसके अक्रॉस फाइंड आउट करना है, और ये सर्किट में अब क्या बचा है, देखो ये एंड्स ओपन हो गए, तो ओपन ब्रांचेस में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता, अगर ओपन ब्रांचेस में करंट फ्लो नहीं होता तो ये ओपन ब्रांचेस को यहां से निकाल दो, ये दोनों ब्रांचेस को निकाल दो और ये दोनों ब्रांचेस को निकाल दो, और क्या बचेगा, सिर्फ 5 ओम का रेजिस्टेंस बचेगा, तो इसके बाद का सर्किट ये रहेगा। देखो यहां पर ये सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 5 ओम का रेजिस्टेंस बस ये इतना ही बचा है, और अब ZTH हम फाइंड आउट कर रहे हैं एक्स और वाई के अक्रॉस। तो अब ZTH हम यहां पे लिख सकते हैं डायरेक्टली कि 5 ओम है, सो देयरफॉर ZTH इज इक्वल टू 5 ओम। अगर ये किसी के साथ सीरीज या पैरल में होता तो हमने जाहिर सी बात है वो सीरीज पैरल को सॉल्व किए रहते, लेकिन ये किसी के साथ भी सीरीज या पैरल में नहीं है, तो हमें ZTH यहां पे मिल गया, इसका मतलब स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। जैसा हमने कहा था दो स्टेप्स पहले हमें सॉल्व करना है VTH और ZTH का, तो ये हमने दोनों स्टेप सॉल्व कर लिए, और अब है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 होता है टू ड्रॉ द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, क्वेश्चन में वैसे यहां पे लिखा भी है कि फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट। तो चलो अब हम स्टेप नंबर 3 यहां पे लिखेंगे,
थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये देखिए हमने यहां लिखा है स्टेप नंबर 3 थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, और यहां पे ऐसे में एक सर्किट ड्रॉ करना होता है। तो ये देखिए हमने एक सर्किट बना दिए हैं, ये जो सर्किट है ये है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। इसमें आपको क्या करना होता है, VTH और ZTH जो आपने इसके पहले फाइंड आउट किए थे उनको आपको सीरीज में कनेक्ट करना होता है अक्रॉस द टर्मिनल्स X एंड Y। तो ये देखिए VTH और ZTH को हमने यहां सीरीज में कनेक्ट किया है अक्रॉस द टर्मिनल्स X एंड Y। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब आपको टर्मिनल्स X एंड Y को ओपन नहीं रखना है, अब आपको टर्मिनल X एंड Y के अक्रॉस जो लोड रेजिस्टेंस होगा या लोड इंपेडेंस होगा उसको आपको ज्वाइन करना है। देखो जो पहले जो क्वेश्चन दिया था उसमें ये सर्किट दिया था और यहां X और Y के बीच में यहां पे एक रेजिस्टेंस दिया था, ये जो रेजिस्टेंस है ये है लोड रेजिस्टेंस, हम इसको कहेंगे लोड रेजिस्टेंस RL। देखो लोड रेजिस्टेंस RL, ठीक है, तो ये X और Y के अक्रॉस था। तो हमने क्या किए, अभी तक जो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 जो हमने सॉल्व किए उसमें हमने ये लोड रेजिस्टेंस RL को हमने शो नहीं किए, हमने आपको हमेशा कहा कि X और Y को हमेशा ओपन रखो क्योंकि ये रूल है VTH और ZTH फाइंड आउट करते समय X और Y टर्मिनल इट मींस आउटपुट टर्मिनल को ओपन रखा जाता है। लेकिन स्टेप नंबर 3 में ऐसा नहीं है, स्टेप नंबर 3 में आपको हमेशा आउटपुट टर्मिनल्स के बीच में लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होता है। तो यहां पे लोड रेजिस्टेंस को अब हमने यहां पे कनेक्ट किया है जो कि है 10 ओम, और अब ये जो 10 ओम है इसमें से फ्लो होने वाला करंट I0 यही हमें फाइंड आउट करना है। देखो I0 यहां पे दिया था, ये I0 हमने यहां पे शो किया है, ये करंट I0 हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये फाइंड आउट करेंगे। अब ये फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, तो फाइंड आउट करने का एक फिक्स फार्मूला होता है यहां पे। तो ये I0 फाइंड आउट करने का फार्मूला है, दैट इज देखो फार्मूला हम यहां पे जो लिख रहे हैं वो आप समझ लो, VTH / ZTH + ZL। देखो ये फार्मूला है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूले का यूज करके हम आसानी से यहां I0 फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो VTH / ZTH + ZL, अब यहां पे ZL यानी लोड इंपेडेंस, लेकिन ये जो है ये लोड रेजिस्टेंस दिया है, तो ZL के जगह आप यहां पे RL ऐसा लिख सकते हैं, RL यानी लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, ओके। अगर ये इंपेडेंस फॉर्म में होता तो हमने उसको ZL ऐसा कहा होता, फिलहाल ये रेजिस्टेंस फॉर्म में है इसलिए हमने उसको RL ऐसा कहा है। बस यहां पे वैल्यूज पुट अप करो तो ये हम लिख लेंगे I0 इक्वल्स टू VTH। ये देखो स्टेप नंबर 1 में हमने ये VTH फाइंड आउट किए थे, उसका सॉल्यूशन अभी भी है, और स्टेप नंबर 2 में ये हमने ZTH फाइंड आउट किए थे, बस ये यहां पे पुट करो। तो हम ये यहां लिखेंगे न्यूमरेटर में 25 माइनस 10 ऑफ I0, और डिनोमिनेटर में ZTH जो हमने फाइंड आउट किए थे वो था 5 प्लस RL, ये है RL यानी लोड रेजिस्टेंस, ये है 10। तो हम यहां लिख लेंगे 10, और अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखो इसमें सिर्फ I0 अननोन है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो I0 मिल जाएगा और प्रॉब्लम वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करना काफी आसान है, चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये 5 प्लस 10 ये हो जाएगा 15 जो है वो I0 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 ऑफ I0। तो ये हम यहां लिख लेंगे 15 ऑफ I0 इक्वल्स टू 25 माइनस 10 ऑफ I0, ठीक है। अब ये जो माइनस 10 ऑफ I0 है इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा 15 ऑफ I0 माइनस 10 सॉरी ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 10 ऑफ I0 इक्वल्स टू 25। तो अब इससे क्या होगा, 15 प्लस 10 ये कितना, ये हो गया 25 ऑफ I0 इक्वल्स टू 25। अब ये 25 को 25 से डिवाइड करो तो फाइनली I0 आपको यहां मिल गया कितना, 1 एम्पियर। तो फाइनली क्वेश्चन में जो I0 फाइंड आउट करने की बात की थी तो ये हमने वो I0 यहां पे फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन के लास्ट में लिखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ I0, तो ये हमने I0 यहां फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन में ये भी लिखा था कि ऑल्सो फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट, तो ये देखिए हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट भी ड्रॉ किए, I0 भी फाइंड आउट कर लिए, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये प्रॉब्लम डिपेंडेंट करंट सोर्स के साथ था, तो यहां पे आपका डिपेंडेंट करंट सोर्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो ये था आज का थेवेनिन थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6। इसके पहले जो हमने इसके 5 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।